गुड मॉर्निंग एवरी वन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अभी है सुबह का टाइम और मेरे छोटे सिन्हाजी मेरे साथ में है किचन में और मैं रेडी कर रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट और साथ में उनके लंच बॉक्स भी पैक करने हैं। तो आज मैं आलू फ्राई कर रही हूँ क्योंकि एक को चाहिए सैंडविच और एक को चाहिए आलू पराठा। तो मैं आलू एक ही तरीके से रेडी करूँगी और इससे मैं सैंडविच भी बनाऊँगी और इसी से मैं पराठा भी बनाऊँगी। और बस सैंडविच में थोड़ा सा मैं सैंडविच बनाने के टाइम पे चेंजिंग कुछ लाऊंगी, कुछ सॉस वगैरह के साथ में, बाकी पराठा के साथ में तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, उसमें मैंने थोड़ा सा एक आधा चम्मच जीरा और थोड़े कटे हुए प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक डाली है, मिक्स कर रही हूँ, भून रही हूँ उसे। और आयु मुझसे बातें कर रहा है क्योंकि आज उसके क्लास में है टेस्ट, तो वही मुझसे पेज वगैरह, पंचिंग पेज पेज वगैरह मुझे बोल रहा है देने को। और मैंने रात में ही आलू को ना बॉयल करके अच्छे से रात को सोने से पहले और बॉयल करके मैश करके फ्रिज में डाल दिया था कि सुबह थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आलू डाल दिया, उसमें मैंने सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कस्तूरी मेथी इसमें डाल रही हूँ, थोड़े से मैं यहाँ पे गरम मसाला डालूंगी किचन किंग, और थोड़ी सी चाट मसाला, और ढेर सारा धनिया डालूंगी मैं, धनिया के पत्ते मैं कट करके डालूंगी। और क्योंकि बच्चों को भी खाना होता है, बड़ों को भी, तो ऐसे तो आप चाहें तो इसमें और भी मतलब मसाले कुछ ऐड कर सकते हैं अलग, लेकिन बच्चों को क्या होता है ना कि वो उनको बहुत मुश्किल हो जाता है मतलब एकदम से टेस्ट पकड़ पाना, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी तक आलू के पराठे जो खाते थे ना बहुत ही कम मसालों के साथ मिले। अब मैंने धीरे धीरे मसाले की क्वांटिटी और उसकी जो मसाले जो हैं वो ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया है, क्वांटिटी भी बढ़ा दी है, क्योंकि बच्चों को धीरे धीरे अपने टेस्ट पे लाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, बच्चे छोटे हैं अभी तो इसलिए। और यहाँ पर मैंने डाल दिया अब ढेर सारा धनिया पत्ता, धनिया पत्ता मगर जो है ना कोरिएंडर लीव किसी भी खाने में मैं डालती हूँ ना, शैमू को बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं जब भी पराठे बनाती हूँ ना तो अच्छे से डाल दी, अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ। इससे एक तो पराठे का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और मतलब बच्चों को हरा धनिया खाना चाहिए गर्मी में क्योंकि वो शरीर की गर्मी को कम करता है। और यहाँ पे मैं मैंगो छील रही हूँ, साफ कर रही हूँ, कट कर रही हूँ उसको, क्योंकि आरुल को और शैमू को दोनों को मैंगो शेक पीना है सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले। तो मैंने सोचा चलो जूस देने से, जो मैं रियल का जूस देती थी, तो मैंने सोचा चलो रियल का जूस देने से अच्छा है कि मैंगो जूस देते हैं। तो चलिए पहले फटाफट मैं मैंगो जूस बना करके आरुल को देती हूँ क्योंकि उसको तो पहले स्कूल जाना होता है। चलिए फिर यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी है और बच्चों की मैं अब बॉटल भी फिल कर दे रही हूँ थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके, और आरुल की सैंडविच मैं रेडी कर रही हूँ। सैंडविच मेकर में मैं इसे सेक दूँगी, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बटर लगा दिया है ब्रश की हेल्प से, और यहाँ पे ब्रेड के सैंडविच के एक तरफ लगाने के बाद उसको पलट के डाल दें इसके ऊपर से लगा करके, और सैंडविच इसकी झटपट रेडी हो जाएगी। और उसके बाद ये आरुल स्कूल जाके जाने के बाद मैं फिर शैमू के लिए पराठे वगैरह सेकूंगी। तो बच्चों को जो पसंद आए बस वही देना चाहिए। जब मैं आलू पराठे बनाती हूँ, आरुल आरुल खाता है आलू पराठे, ऐसा नहीं है नहीं खाता है, लेकिन कभी कभी बच्चे का होता है ना अभी कम टाइम के लिए स्कूल है ना, तो मतलब बच्चे कुछ खाते कुछ छोड़ देते, उसके अलावा भी एक दो डब्बे और भी छोटे छोटे हो जाते हैं लोग स्नैक्स वगैरह के,
तो बच्चों को लगता है जैसे पराठा वराठा कौन खाने जाए तो इस वजह से छोड़ देते हैं। खैर यहाँ पे सैंडविच बन के रेडी हो गई है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं सेकती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा अपने बच्चों को लगता है क्या कि जला हुआ है, ज़्यादा डार्क उनको नहीं चाहिए होता है, तो बस हो गया है। और यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े इनके यहाँ पे कुरकुरे डाल दे रही हूँ, बच्चों को थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह चाहिए होता है साथ में कुछ। क्या सेमू मैंगो जूस पी चुकी? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है क्या? और फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि अभी शैमू रेडी हो रही है, अभी वो स्नान करने गई है, तो वो जब निकलेगी तो मैं उसकी चोटी वगैरह बनाऊँगी, पोनीटेल। तब तक यहाँ पे मैं मैदा वगैरह मिक्स करके, मैदे में मैं थोड़ा सा गेहूँ का आटा डालती हूँ, थोड़ा सा इसमें ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट डाल करके पराठे के लिए मैं यहाँ पे आटे रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक टाइम मतलब मिल रहा है वो जब तक रेडी होकर के आएगी तब तक मैं यहाँ पे आटे वगैरह गूंथ करके रख देती हूँ। और यहाँ पर अभी तो ये मैडम बैठी हुई है, अभी गई भी नहीं है स्नान करने के लिए, मुझे लगा कि जा चुकी है बट बैठी हुई है अभी, तो ये जाएगी स्नान करके आएगी। और अभी अरुल भी अभी बाय बाहर रूम, में बाय मम्मी। जूते पहन रहा है जाने के लिए। अच्छा और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में आरुल के जाने के बाद, और यहाँ पे मैंने चढ़ाई है चाय एक तरफ, और एक तरफ मैं पराठे सेक लेती हूँ शैमू के लिए, पराठे टिफिन के, क्योंकि अब वो रेडी हो रही है, उसको जाना है। और शुरुआत में तो ऐसा पहले शुरू से ही ये दोनों साथ में जाते थे, लेकिन बाद में जब दोनों के टाइम अभी जो अलग हुए हैं ना, तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं आरुल को टिफिन दे देती और शैमू को सोचती थी कि थोड़ा देर के बाद मैं उसके टिफिन पैक करूँगी, कभी कभी वो एकदम निकलने को होती थी तो पता चल जाता था कि अभी मैंने टिफिन ही पैक नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ इसके लिए, और उसके बाद मैं पहले इसके टिफिन पैक करके रख दूंगी, नहीं तो पता नहीं आज भी वही हो जाएगा कि ये निकलने को रेडी होगी और इसके टिफिन ही पैक नहीं होंगे। क्या सेमू तो चलिए शैमू के पराठे तो हो गए हैं रेडी, और मैंने बटर के साथ में किया है, शैमू को बटर या घी में ही पराठे पसंद है, ऑयल में बहुत कम पराठे खाती है। क्या शैमू हाँ ये सही है। और पराठे अच्छे से सीखने चाहिए, थोड़ा सा भी अगर पराठे में कहीं पे भी अगर उसको लगेगा कि इसने अच्छा अच्छे से सीखा नहीं है ना, तो उस वाले पोर्शन को छोड़ ही देती है। इसलिए मुझे इसके लिए पराठे बहुत अच्छे से मतलब मैं शुरू से ही मतलब अच्छे से मैं पराठे सबके लिए सेकती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी कहीं भी अगर सफेदी की चमकार रह गई तो इन लोगों को लगता है, चाहे ये हो चाहे छोटे सिन्हा जी हो चाहे बड़े सिन्हा जी हो सबका वही हाल है। खैर मेरी शैमू बहुत ही समझदार हो गई है, वो पराठे खाती है, और मेरे छोटे सिन्हा जी वो तो सैंडविच खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से कुरकुरे और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया था सेजवान सॉस, जो कि समृद्धि लेकर जाती है, कभी खाती नहीं है। क्या सैमू हमेशा बर्बाद करती हो? हाँ वो नहीं, बट मुझे अचार भी दे दे तो अचार खाती हूँ मैं। अचार खाती हो तो बोलना चाहिए, फिर सेजवान सॉस क्यों बर्बाद करती हो? तो शेजवान सॉस लेकर के जाती है। तो खैर अचार से हम याद आया कि मैंने भी अचार रखा था नमक और हल्दी डाल करके, या मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और देखिए कितनी पानी छूटी हुई है अभी। अब आज मैं इसे निकाल करके डाल दूंगी सूखने के लिए धूप में, और उसके बाद वो मसाले डालने वाले हैं उसमें। चलो अगले तुझे कार्ड डाल देंगे। मुझे बहुत आलसी हो जाता है तो थोड़ा सा। बाय बेटा। मैं पापा को बोली थी आज की स्कूटी से ले जाओ, पापा स्कूटी से भी ले गए आज मुझे। दे चोर हो तुम लोग। तो सैमू निकल गई है, इसके बैग इतने भारी होते हैं ना कि ये धीरे धीरे चल रही है ना, ये फिराक में थी ना कि पापा ले ले, क्योंकि अरुल का हमेशा पापा लेकर जाते हैं, बस स्टॉप तक छोड़ते हैं और आता अरुल खुद लेकर गया, तो सैमू सोच रही थी कि पापा ले ले, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। और आज मैंने जो ये किया है सुबह में, मैंने आलू पराठे आज मैं बनाने वाली हूँ आलू पराठे, तो वो तो आपने देख ही लिया है। तो आज वही सुबह में सबके ब्रेकफास्ट वही होने वाले हैं,
तो आलू के पराठे और साथ में दही रायता। तो बच्चे तो दही रायता नहीं लेते हैं, लेकिन साहब लेंगे रायता। तो आज मैंने आलू पराठे की तैयारी की है आलू पराठे बनाने के लिए। आप लोग आलू पराठे कैसे बनाते हैं अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिएगा अगर हो सके तो। मैं अपने आलू पराठे इस तरीके से बनाती हूँ जैसे मैंने आपको दिखाया है स्टफ़ करके, तो वैसे बनाती हूँ। वैसे इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से भी 2-3 तरीके से आलू के पराठे बनते हैं, बट मैं जो एक तरीका बनाती हूँ इस तरीके से घर में लोगों को अच्छा लगता है और ट्रेडिशनली यही ऐसे ही बनाया जाता है। अपने कामों में और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलिएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर किया हुआ है तो वापस से क्लिक मत कीजिएगा नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगी। तो चलिए काम में लग जाते हैं फिर से।